स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। गाड़ी मारुति सुजुकी बलेनो है और ये इस गाड़ी की इग्निशन की इस जगह सिस्टम है पुश स्टार्ट बटन को प्रेस करना है। आप सब देखो सारे वार्निंग इंडिकेशन इसके क्लस्टर मीटर में आ जाएंगे। 36,000 किलोमीटर गाड़ी अभी तक चल चुकी है। इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, गाड़ी में काफी ज्यादा ओवर हीटिंग का इशू है। ओवर हीट होने की वजह से जितना भी सिस्टम है इसका, इंजन का, वो सिस्टम कंप्लीट डिफेक्ट हो गया। आज की वीडियो में कंप्लीट हम ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। जब हम इंजन में क्रैंकिंग करते हैं, इंजन को क्रैंक करते हैं स्टार्ट करने के लिए, उस टाइम पर इंजन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाता। जब आप क्रैंकिंग करते हो उस टाइम पर इस तरीके की साउंड क्रिएट होती है जैसे कि सिस्टम में कंप्रेशन बिल्कुल भी ना हो। इंजन को क्रैंक करोगे इंजन स्टार्ट नहीं होगा। जितना भी सिस्टम है कूलेंट, वो इसके रेडिएटर के थ्रू बैक फेंकता है। जितना भी सिस्टम है इसका सिलेंडर हेड्स का, वो सिस्टम कंप्लीट डिफेक्ट हो गया है। आज की वीडियो में कंप्लीट हम ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। गाड़ी है मारुति सुजुकी बलेनो विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इस जगह आप सब देखोगे सिस्टम है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का। पी पार्किंग और रिवर्स न्यूटन, डी ड्राइव, एल लोअर गियर। कभी भी आप ट्रैफिक में ड्राइव करते हो उस टाइम पर आपको एल गियर में शिफ्ट करके व्हीकल को ड्राइव करना चाहिए। ये सबसे लोअर गियर होता है। आपको प्रॉब्लम दिखाते हैं, कंप्रेशन टेस्ट करेंगे हम कंप्लीट पर सिलेंडर्स का। ये गाड़ी हमारे पास कंपनी से आई है, कंपनी ने काफी ज्यादा इस गाड़ी का एस्टिमेट दे दिया। आज की वीडियो में हम जितना हो सके उतना बचाएंगे। कंपनी क्या करती है, जितना भी सिस्टम है इसका सिलेंडर हेड, हर सिस्टम को न्यू रिप्लेस करती है। हम उसी पार्ट्स को रिप्लेस करेंगे जो डिफेक्टिव पार्ट्स हो, अदरवाइज किसी भी पार्ट्स को रिप्लेस नहीं करेंगे। जितना भी सिस्टम है सिलेंडर हेड्स का, कोशिश करेंगे जितना सिस्टम कम से कम रिप्लेस हो। सिलेंडर हेड में क्या होता है, जब गाड़ी ओवर हीट होती है तो जितना भी सरफेस होता है वो कंप्लीट अनइवन हो जाता है ओवर हीटिंग की वजह से। गाड़ी में प्रॉब्लम है, गाड़ी ओवर हीट हुई है। इसमें प्रॉब्लम को चेक किया जाएगा और कंप्लीट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा ताकि ये प्रॉब्लम आगे चल के ना आए। जितना भी सिस्टम है इसका कूलिंग सिस्टम, वो सिस्टम इसका डिफेक्ट था जिसकी वजह से गाड़ी में ये प्रॉब्लम आई। उस सिस्टम को कंप्लीट चेक करना है, डिफेक्टिव पार्ट्स को और रिप्लेस करना है। इग्निशन को ऑफ करते हैं। इस जगह इसका लीवर होता है जिसकी हेल्प से हम इसका हुड या बोनट ओपन करते हैं। कभी भी आप कोई भी सिस्टम टच करोगे इंजन कंपार्टमेंट के, इग्निशन ऑफ होना चाहिए और कंप्लीट कार्स लॉक होने चाहिए, तभी आपको सिस्टम को टच करना है, अदरवाइज किसी भी सिस्टम को टच नहीं करना है। इस जगह इसका लीवर दिया जाता है जिसकी हेल्प से हम इसका हुड या बोनट ओपन करते हैं। फ्रंट में इसका इंजन दिया जाता है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। इस जगह इसका सिस्टम है, जितना भी सिस्टम है इसका इंजन का, वो सिस्टम कंप्लीट डिफेक्ट हो गया। आज की वीडियो में कंप्लीट हम ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। कभी भी आप कोई भी सिस्टम टच करते हो या रिप्लेस करते हो उस टाइम पर सबसे पहले आपको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स को रिमूव करना होता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, नहीं तो जितना भी सिस्टम है इसका मॉड्यूल्स, वो सिस्टम डिफेक्ट हो सकते हैं। इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम, जब हम इंजन को स्टार्ट करते उस टाइम पर इंजन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाता है। एक बार आपको स्टार्ट करते हैं, कंडीशन दिखाते हैं। इस जगह इसका सिस्टम है रेडिएटर का, जितना भी सिस्टम है इसका कूलिंग का, वो सिस्टम कंप्लीट डिफेक्ट है। Thank you.
इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, इंजन काफ़ी ज़्यादा ओवर हीट हुआ है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा इशू आ गया, इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा, कंप्रेशर काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया। जब हम क्रैंकिंग करते हैं उस टाइम पर आवाज़ आती है जैसे कि कंप्रेशन बिल्कुल डाउन हो गया। इस जगह आप सब देखो जितना भी सिस्टम था इग्निशन, इस सिस्टम को कम्प्लीट रिमूव किया गया, इग्निशन कॉइल और इस जगह इसके स्पार्क प्लग्स हैं। आप सब कंडीशन देखोगे स्पार्क प्लग्स की, जितना भी कूलेंट है वो डायरेक्ट इग्नाइट हो रहा है कम्बशन चैम्बर में एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ। जितना भी सिस्टम है सिलेंडर हेड का वो सिस्टम डिफेक्ट हो गया। ये आप सब प्रॉब्लम देखोगे अभी प्लग्स की, हर प्लग्स में कूलेंट्स आ रहा है ग्रीन ग्रीन कलर्स का। अभी जैसे ही आप इस पर हल्का से वाटर के ड्रॉप्स इंजेक्ट करोगे तो सिस्टम कंप्लीट ग्रीन हो जाएगा। इस जगह आप सब देखोगे सिस्टम में अभी भी ग्रीन पन है, जितना भी सिस्टम है जितना भी कंप्रेशन है वो डायरेक्ट इसके कूलिंग सिस्टम पे हिट हो रहा है, जिसकी वजह से जितना भी सिस्टम है इसका रेडिएटर का इसके थ्रू बैक कंप्रेशर आ रहा है। एक बार कंप्लीट सिस्टम को कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, फिर आपको ईजिली प्रॉब्लम वही होगा, जितना भी प्रेशर है वो बिल्कुल डाउन होगा या रेड इंडिकेशन से नीचे होगा। ये आप सब देखोगे ये टूल्स है जिसकी हेल्प से कंप्लीट हम कंप्रेशन टेस्ट को करेंगे, गेज और इस जगह इसका टूल्स, इन दोनों सिस्टम को कनेक्ट करना है आपस में इस तरीके से। अभी आप सब देखोगे ये गेज और इस कनेक्टर को कनेक्ट करना है, इस पॉइंट को नीचे की तरफ प्रेस करना है और ये सिस्टम कंप्लीट इसका कनेक्टर फिट हो जाएगा। आप सब देखोगे ये टूल्स है कंप्रेशन टेस्टर, जिसकी हेल्प से हम कंप्लीट हम इंजन का कंप्रेशन टेस्ट करेंगे। ये आप सब देखोगे इस जगह जितना भी सिस्टम था स्पार्क प्लग इग्निशन कॉइल हर सिस्टम को कंप्लीट रिमूव कर लिया गया। इस जगह इसका सिस्टम है कंप्रेशर टेस्टर, जिसकी हेल्प से कंप्लीट हम इंजन्स का कंप्रेशन टेस्ट करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, जितना भी रीडिंग होगा आप सब देखोगे 0 से 6 बार के बीच में वो रीडिंग रेड पे होगी, मीन्स जितना भी कंप्रेशन है वो वीक होगा। अभी आपको टेस्टिंग करते हैं फर्स्ट नंबर सिलेंडर से। विवेक कर स्टार्ट। हाँ बस, ये आप सब देखो फर्स्ट नंबर सिलेंडर की रीडिंग है 6 बार, इंडिकेशन है रेड में, जितना भी कंप्रेशर है वो वीक है। सेकंड नंबर पे टेस्टिंग करेंगे, कर विवेक, बस। ये आप सब देखो सेकंड नंबर सिलेंडर की कंप्रेशन टेस्ट की रीडिंग है 4 बार, इंडिकेशन है रेड में, अगर 6 बार से रीडिंग डाउन होती है या 8 बार से तो इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा, मिस फायरिंग काफ़ी ज़्यादा होगी। अभी आप सब देखो कंप्रेशन बिल्कुल वीक हो गया सेकंड नंबर सिलेंडर्स का। थर्ड नंबर सिलेंडर का कंप्रेशन टेस्ट करेंगे, कर विवेक, बस। ये आप सब देखोगे थर्ड नंबर सिलेंडर की रीडिंग बिल्कुल डाउन है, फोर्थ नंबर सिलेंडर की रीडिंग अभी आप सब देखोगे कर, बस। फोर्थ नंबर सिलेंडर की रीडिंग है आप सब देखोगे समथिंग 3 बार, थर्ड और फोर्थ नंबर सिलेंडर की रीडिंग सेम है, फर्स्ट की सबसे ज़्यादा है 6 बार, सेकंड की 4 बार, थर्ड और फोर्थ नंबर सिलेंडर की रीडिंग है 3.12 बार्स।
जितना भी कंप्रेशन है वह काफ़ी ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। इस जगह इसका बटन्स होता है जिसकी हेल्प से हम गेज को और रीसेट करते हैं। अभी आप सब देखोगे सिस्टम को रीसेट कर लिया गया, जो प्रॉब्लम है इंजन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो जितना भी सिस्टम है इसका कंप्रेशन वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया। कभी भी आप कंप्रेशन टेस्ट करते हो तो आपको सिस्टम रिमूव करना पड़ता है, इग्निशन सिस्टम, इग्निशन कॉइल, स्पार्क प्लग, टॉप में सिस्टम दिया जाता है सिलेंडर हेड में, कंप्लीट सिस्टम को रिमूव करना है स्पार्क प्लग को, तब ईजिली कंप्रेशन टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बैटरी के टर्मिनल्स को रिमूव करना है, अदरवाइज आपको किसी भी सिस्टम को टच नहीं करना है, नहीं तो सिस्टम डिफेक्ट हो सकता है। सेंसर, वायरिंग्स या मॉड्यूल और सिस्टम डिफेक्ट हो सकते हैं। कभी भी आप बैटरी के टर्मिनल्स रिमूव किए बिना सिस्टम को टच करते हो। सबसे पहले हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स को रिमूव करेंगे, फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स को रिमूव करेंगे, फिर जितना भी सिस्टम है सेंसर हर सिस्टम को ईजिली हम रिमूव कर पाएंगे। आज की वीडियो में कम्प्लीट हम सिलेंडर हेड को रिमूव करने वाले हैं। जितना भी सिस्टम है इसका, इग्निशन सिस्टम, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, फ्यूल रेल, एयर फिल्टर असेंबली, थ्रोटल बॉडी, इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, टाइमिंग सिस्टम, इंजन माउंटिंग्स, ड्राइव बेल्ट्स, क्रैंक पुली, वाटर पंप पुली, हर सिस्टम को कंप्लीट रिमूव किया जाएगा। जितना भी सिस्टम है, इस जगह इसका सिस्टम है, आप सब देखोगे सिलेंडर हेड के टॉप में सिस्टम दिया जाता है इसका इग्निशन सिस्टम, जिसकी हेल्प से हम कंप्लीट एयर फ्यूल मिक्सचर को कंबस्चन चैम्बर में इग्नाइट करवाते हैं। जितना भी सिस्टम है इसका कंप्रेशन एक तो काफ़ी ज़्यादा वीक है, हर सिलेंडर में 6 बार 4 बार और 3 बार कंप्रेशन टेस्टिंग में और रीडिंग आई है बार्स में। जितना भी सिस्टम है सिलेंडर हेड्स को रिमूव करते हैं, फिर आपको फिटिंग दिखाते हैं। फर्स्ट नंबर सिलेंडर, सेकंड नंबर सिलेंडर, थर्ड नंबर सिलेंडर, फोर्थ नंबर सिलेंडर, कनेक्टर कंप्लीट डिसकनेक्ट कर लिए गए। इस जगह सिस्टम है इग्निशन कॉइल्स का, जिसके थ्रू कंप्लीट हम एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करेंगे। ये आप तो देखो इंजन काफ़ी ज़्यादा हीट हुआ है, जिसकी वजह से इतना ऑयल है वो बिल्कुल बर्न हो गया, बिल्कुल ब्लैक हो गया, इतना ज़्यादा। ये सिस्टम है फ्यूल रेल्स का, सिस्टम में फ्यूल रेल्स होती है और इस जगह के फ्यूल इंजेक्टर से। फोर सिलेंडर की गाड़ी होगी तो पर सिलेंडर में एक इंजेक्टर दिया जाता है।
ये आप सब देखोगे इस जगह इसका इनलेट मैनिफोल्ड है जिसको थ्रू कंप्लीट फ्रेश एयर को शक किया जाता है। इस जगह इसका थ्रोटल सिस्टम है जो कंप्लीट एक्सेलेरेटर पैडल के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। ये आप सब देखो सबसे नीचे आपको कोई भी ट्रे यूज़ करनी है जिसमें कंप्लीट हम कूलेंट को स्टोर कर सके। इस जगह जितना भी सिस्टम है इसका ड्रेन प्लग्स होता है इसको हम रिमूव करके कंप्लीट कूलेंट को ड्रेन कर सकते। अभी आप सब देखो कूलेंट को कंप्लीट ड्रेन किया जाएगा। इतना अमाउंट में स्टोर था कूलेंट। इस जगह जितना भी सिस्टम था इनलेट मैनिफोल्ड का उस सिस्टम को कंप्लीट रिमूव कर लिया गया। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को रिमूव किया जाएगा।